26/11 मुंबई हमले का गुनहगार और जमात उद-दावा के चीफ आतंकी हाफिज सईद ने चुनाव लड़ने की घोषणा की है। पाकिस्तान में अगले साल होने वाले आम चुनाव में हाफिज अपनी पार्टी मिल्ली मुस्लिम लीग का उम्मीदवार होगा। इसी साल अगस्त में जमात उद-दावा ने मिल्ली मुस्लिम लीग बनाई थी। ये पार्टी पाकिस्तान को सही मायनों में इस्लामिक देश बनाने का दावा करती है। 24 नवंबर को पाकिस्तान की एक अदालत ने सबूतों के अभाव में हाफिज को नजरबंदी से रिहाई दे दी थी। अमेरिका आतंकवाद के मसले पर पाकिस्तान पर फिर दबाव बढ़ाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस को सोमवार को पाकिस्तान भेज रहे हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन की घोषणा के मुताबिक पाकिस्तान में जेम्स मैटिस शाहिद खगान अब्बासी और सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में अमेरिकी रक्षा मंत्री मैटिस लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठनों पर कार्रवाई के लिए पाकिस्तान पर दबाव बना सकते हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस ने कहा कि वॉशिंगटन को आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए इस्लामाबाद को एक और मौका देना चाहिए। एनआईए की टीम ने बिहार के गोपालगंज से लश्कर ए तैयबा के एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम धन्नू राजा उर्फ बेदार बख्त बताया गया है। एनआईए के मुताबिक बेदार बख्त को वाराणसी से गिरफ्तार किए गए लश्कर के आतंकी अब्दुल नईम शेख की निशानदेही पर गिरफ्तार किया गया है। 23 साल के धन्नू उर्फ बेदार बख्त को गिरफ्तार कर एनआईए की टीम पटना से दिल्ली लेकर गई है। खुफिया एजेंसियों को बेदार बख्त के आतंकी वारदात से कनेक्शन के इनपुट मिले थे। संदिग्ध आतंकी बेदार बख्त को 5 दिसंबर से पहले एनआईए की स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा। कांग्रेस पर वंशवाद का आरोप लगाने वाले नेता शहजाद पूनावाला ने एक टेप जारी कर कहा है कि कांग्रेस के लोग उन्हें सच बोलने से रोक रहे हैं। पूनावाला का दावा है कि इस बातचीत में कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने उन्हें कुछ दिन रुकने को कहा। जब मैंने सवाल उठाया व्यवस्था पे परिवारवाद की, तो उन्होंने जिस फर्जीवाड़े तरीके से ये साबित करने की कोशिश की कि मैं 2.5 साल से इस पार्टी का सदस्य ही नहीं हूँ, जो झूठ साबित हो गया। ऑडियो टेप सामने आने के बाद कांग्रेस नेता मीम अफजल ने शहजाद पूनावाला पर ही सवाल उठाए। इस तरह की कोई भी बात अगर किसी ने की है तो पहले ये देखना चाहिए कि उनकी हैसियत क्या है और वो किस से बात कर रहे हैं। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी और कांग्रेस पर गुजरात चुनाव में धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाया है। ओवैसी ने कहा कि दोनों ही पार्टियों के नेताओं में खुद को ज्यादा बेहतर हिंदू बताने की होड़ लगी है। मोदी कहेगा कि मैं सबसे बड़ा हिंदू और ओबीसी हूँ, अमित शाह जैन है मगर हिंदू है। अगर ओवैसी कहेगा कि मैं मुसलमान हूँ तो नहीं तुम नहीं बोल सकते, अरे ये तुम्हारा कौन सा इंसाफ है बाबू। ओवैसी ने यूपी निकाय चुनाव के नतीजों को लेकर भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। वहीं बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस गुजरात में जातिवाद फैला रही है। इतना अधिक वो अपशब्द उपयोग करेंगे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में, उतना अधिक मोदी जी के प्रति स्नेह, उनके प्रति श्रद्धा गुजरात के लोगों की बढ़ती जाएगी। यूपी में निकाय चुनाव के नतीजों के बाद विपक्षी पार्टियों ने एक बार फिर ईवीएम का विरोध शुरू कर दिया है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने चुनौती देते हुए कहा कि बीजेपी में साहस है तो 2019 का चुनाव बैलेट से कराए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ईवीएम से धांधली का आरोप लगाया है। हाँ, ईवीएम पे वोट पड़ा है, वहाँ 46% जीते हो और जहाँ बैलेट से वोट पड़ा है वहाँ केवल 15% भारतीय जनता पार्टी जीत पाई। बीजेपी ने विपक्ष के आरोपों को बेबुनियाद बताया है और कहा है कि हार के बाद ऐसा ही बयान आता है। यूपी विधानसभा चुनाव के बाद भी बीएसपी और समाजवादी पार्टी ने ईवीएम पर सवाल उठाए थे, हालांकि चुनाव आयोग ने ऐसे दावों को खारिज कर दिया था। जहां पर वो जीतते हैं तो बोलते हैं ईवीएम ठीक है, जहां पर हारते हैं बोलते हैं ईवीएम खराब है। तीन तलाक के खिलाफ संसद के शीतकालीन सत्र में बिल लाए जाने की सरकार की तैयारी पर मुस्लिम संगठनों के साथ साथ कई राजनीतिक दलों ने भी एतराज जताया है। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि किसी एक धर्म के लिए कानून नहीं बनाया जाना चाहिए, कानून बने तो पूरे देश पर समान बने। जबकि कांग्रेस ने ट्रिपल तलाक को संवेदनशील मुद्दा बताते हुए कहा कि इस पर सुधार मुस्लिम समाज के अंदर से ही आना चाहिए। एनी पर्सनल लॉ ऑफ एनी कम्युनिटी अमेंडमेंट शुड कम फ्रॉम विद इन द कम्युनिटी एंड वी ऑलवेज फील दैट यू नो एनी अमेंडमेंट ऑफ अ पर्सनल लॉ दैट हैज सजेशन हैज टू कम फ्रॉम द कम्युनिटी। बीजेपी की दलील है कि ट्रिपल तलाक पर कानून बनने से मुस्लिम महिलाओं को संविधान के तहत सुरक्षा मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ही एक कानून बनना है, एक ड्राफ्ट कानून बनेगा। मोदी सरकार 15 दिसंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में
ट्रिपल तलाक पर बिल पेश कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक बिल में ट्रिपल तलाक देने वालों को 3 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान होगा। सेंट्रल कश्मीर के बड़गाम में स्पोर्ट्स स्टेडियम में 53 राष्ट्रीय राइफल्स द्वारा कराए गए क्रिकेट टूर्नामेंट कश्मीर प्रीमियर लीग के फाइनल मैच के दौरान पाकिस्तानी झंडे लहराए गए और आतंकी जाकिर मूसा के समर्थन में नारे लगाए गए। सेना और पुलिस अफसरों की मौजूदगी में लोगों ने देश विरोधी हरकतों को अंजाम दिया। प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से पूछताछ की। लालू यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान रेलवे के 2 होटलों को लीज पर देने में भ्रष्टाचार के मामले में उनसे पूछताछ की गई। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने आरोप लगाया कि ये कार्रवाई पीएम मोदी के इशारे पर हो रही है। हाँ तो इसको पता है, यही करवा रहा है। चार्जशीट हो जाएगा तो या क्या हो जाएगा वो तो पता लगेगा इनको आगे न चल के। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि लालू को आरोप लगाने से पहले सफाई देनी चाहिए, बजाय इसको कि बीजेपी हमको फंसा रही है और क्या कहते हैं कि नीतीश कुमार फंसा रहे हैं, ये कहने के बजाय जो आरोप लगा है उस पर सफाई क्यों नहीं देते हैं। ये मामला 2006 का है। आरोप है कि रांची और पुरी में IRCTC के 2 होटलों का ठेका एक निजी कंपनी को देने में नियमों की अनदेखी की गई। चक्रवाती तूफान ओखी की वजह से केरल और तमिलनाडु में अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है। तूफान की वजह से केरल में करीब 500 परिवारों के 3000 बेघर लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर हो गए हैं। लक्षद्वीप भी ओखी तूफान से प्रभावित हुआ है। तमिलनाडु और केरल के तूफान प्रभावित जिलों के स्कूल कॉलेज में छुट्टी घोषित कर दी गई है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने लक्षद्वीप, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में मछुआरों को अगले 48 घंटों तक समुद्र में न जाने के लिए एडवाइजरी जारी की है। तूफान की वजह से श्रीलंका में भी 13 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग ने अब ओखी तूफान कमजोर होने का भरोसा दिलाया है।